शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस के बीच नागपुर शहर के विभिन्न परिसर में बकरीद मनाई गई, जिसमें शहर के बड़ा ताजबाग इलाके में भी यहां के सभी मुस्लिम बांधवों ने प्रशासन के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए बकरीद मनाई और घर में ही नमाज अदा की। किसी भी तरह का हंगामा ना हो, इसलिए प्रशासन का इस ओर कड़ा प्रबंध रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बकरीद या ईद उल अजहा कई तरह के नाम दिए गए हैं इस कुर्बानी के दिन को। मुस्लिम समुदाय में कुछ खास मौके आते हैं जिसमें रमजान की ईद और बकरीद के अपने महत्व है। इस मौके पर हर मोमिन मशगूल होता है, मस्जिद जाता है, नमाज अदा करता है और हम उम्र को गले लगता है, बड़े से दुआ की नेमत करता है। लेकिन इस बार की कुछ अलग है, जिसका एक में कारण है कोरोना वायरस, जिसने देश दुनिया में अपने पैर जमा लिए। इस बीमारी के चलते हर सार्वजनिक त्योहारों में प्रतिबंध लग गए। कोई भी त्योहार जोर शोर से नहीं मनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हर कोई चाहता है किसी भी तरह से इस महामारी से बचा जा सके। इसी तर्ज पर शहर के विभिन्न इलाकों में बकरीद तो मनाई गई, लेकिन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। शहर के बड़ा ताजबाग परिसर में भी भीड़भाड़ वाला इलाका है, लेकिन जहां इस मौके पर कड़े इंतजाम किए गए थे। पहले तो सभी देशवासियों को मैं ईद उल अजहा की मुबारकबाद तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। आज जो ईद मनाई गई है हमारे यहां पर, ये सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए और जो सरकारी आदेश का जो पालन किया गया है, सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने घरों में नमाज़ें वगैरह अदा की है और शांति और एक सौहार्द देकर ईद मनाई गई है। संदेश तो ये है कि जिस तरीके के आज अपने देश में जो वातावरण चल रहा है, इस कोरोना महामारी से हमको अपने घरों में रह के सरकारी निर्देशों का पालन करके, अगर आप अपने घरों में रहते हैं तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। आज पूरे भारतवर्ष में ईद उल अजहा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। साथ ही ताजबाग परिसर में भी हम देख पा रहे हैं कि कोरोना का संकट होते हुए भी जो है ये दरगाह है, यहाँ पर कुछ लोग भी है जो ईद का पर्व मनाने यहाँ आए हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।